व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग सही सलामत है। तो गाइस, आप लोगों में से 99% लोग ट्रेन में जरूर सफर किया होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं ट्रेन किसका है? आप लोग भी शायद सोच रहे हैं, ये पूछने वाला बात है। ट्रेन तो सरकार यानी गवर्नमेंट के अंडर में चलता है, लेकिन गाइस इंडिया में ऐसा एक पर्टिकुलर ट्रेन है जो ट्रेन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं चलता है, पर्टिकुलर एक इंसान के अंडर में चलता है। और वो ट्रेन कोई खिलौना वाला ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन एक चलता फिरता ओरिजिनल ट्रेन है। और इंडिया के बाहर बहुत सारा कंट्रियों में ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन किया है, लेकिन इन इंडिया ट्रेन को अभी तक फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर में रखा है। लेकिन गाइस इंडिया में ऐसा कौन पर्टिकुलर इंसान है जो एक ट्रेन का मालिक बन गया, और कैसे, चलिए जानते हैं इसके वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये इंसिडेंट 2007 का है। संपूर्ण सिंह नाम का एक किसान है जो कटाना विलेज लुधियाना में रहता है, और वो किसान सडनली संपूर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन दिल्ली टू अमृतसर के अंदर ट्रेवल करता है उसका मालिक बन गया था। वो कैसे? जब ईस्टर्न रेलवे ने लुधियाना से चंडीगढ़ तक न्यू रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, तब संपूर्ण सिंह का जमीन ईस्टर्न रेलवे ने कब्जा कर लिया था। और उस टाइम ईस्टर्न रेलवे ने संपूर्ण सिंह को पर एकड़ जमीन के 25 लाख रुपया करके दिया था, लेकिन आसपास का जमीन का मार्केट प्राइस था उस टाइम 71 लाख पर एकड़। मतलब अल्टीमेटली ईस्टर्न रेलवे ने संपूर्ण सिंह को ठग दिया था। और रेलवे के ऐसा नाइन सेवे की वजह से संपूर्ण सिंह ने गुस्सा में जाके कोर्ट में रेलवे के अगेंस्ट केस कर दिया था। और कोर्ट से फास्ट ऑर्डर निकलने के बाद कोर्ट ने उनका जमीन का वैल्यू पर एकड़ 25 लाख से 50 लाख कर दिया था, लेकिन संपूर्ण सिंह वो अमाउंट से खुश नहीं था। उसके बाद केस चलता जा रहा है, जाते जाते वो अमाउंट एक दिन जाके 1.47 करोड़ तक हुआ। और ये सब 2007 से 2012 तक चल रहा था। उसके बाद हाई कोर्ट ने रेलवे को ऑर्डर दिया था कि विद इन 2015 के अंदर 1.47 करोड़ में से 1.5 करोड़ संपूर्ण सिंह को पे करना, लेकिन रेलवे ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रिफ्यूज करके संपूर्ण सिंह को सिर्फ पे किया था 42 लाख। उसके बाद 2017 में ये केस का फिर से नया ऑर्डर निकला था। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का जज जसपाल वर्मा ने संपूर्ण सिंह को ऑर्डर दिया था कि अगर रेलवे ने उनका पेमेंट पूरा नहीं देता है तो लुधियाना स्टेशन में जाके वो ट्रेन को सीज करने के लिए। वो ट्रेन का नाम है संपूर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन लुधियाना से दिल्ली के बीच में चलता है। कोर्ट का ऑर्डर के बाद संपूर्ण सिंह ने अपना लॉयर को लेके लुधियाना स्टेशन गया, वहां जाके वो ट्रेन को चीज किया था, और साथो साथ स्टेशन से लेके स्टेशन मास्टर का रूम तक। उसके बाद संपूर्ण सिंह फास्ट इंडियन एक लौता इंसान जो एक ट्रेन का, एक पूरा ट्रेन का मालिक बन गया था। लेकिन 5 से 10 मिनट बाद रेलवे डिपार्टमेंट का हायर रैंक ऑफिसर ने कोर्ट का ऑफिसर से बात करके ट्रेन को संपूर्ण सिंह से फ्री कर लिया था। और कोर्ट का ऑफिसर लोग संपूर्ण सिंह से ट्रेन को इसीलिए फ्री कर दिया था क्योंकि रेलवे के ऑफिसर्स के मुताबिक ये ट्रेन से लुधियाना से दिल्ली, दिल्ली से लुधियाना डेली 100 से 500 लोग आना जाना करता है। अगर ये ट्रेन को चीज कर दिया जाएगा तो बहुत लोगों का दिक्कत हो जाएगा, जिसके वजह से रेलवे ऑफिसर लोगों ने कोर्ट का ऑफिसर लोगों से रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद कोर्ट का ऑफिसर लोगों ने संपूर्ण सिंह से ट्रेन को फ्री कर दिया था। लेकिन संपूर्ण सिंह इंडिया में ऐसा एक लौता इंसान जो इंसान 5 से 10 मिनट के लिए एक पूरा का पूरा ट्रेन का मालिक बन गया था। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।